जो औरत सावन में चुपके से 5 दिए यहाँ जला देंगी उनके पति अमीर हो सकते हैं। सावन के महीने में महादेव को खुश करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी का प्रवेश अपने घर में चाहते हैं। माता लक्ष्मी और नारायण को खुश करना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बताया हुआ ये उपाय आपके वारे न्यारे कर सकता है। गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने के साथ इस बार जो अधिक मास का संयोग है इस बीच में नर और नारायण का भव्य मिलन होगा। तो ऐसे में जो महिलाएं चुपचाप 5 दीपक इन विशेष स्थानों पर जला देती हैं उनके घर में तरक्की रुकने का नाम नहीं लेती। माता लक्ष्मी ऐसे घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है और महादेव ऐसे परिवारों की स्वयं रक्षा करने के लिए धरती पर आते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं 5 दीपक वाला ये विशेष उपाय इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अधिक मास की पूर्णिमा आने ही वाली है। अधिक मास की पूर्णिमा वाले दिन साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो नारायण के साथ माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बरसती है। जिस घर में माता लक्ष्मी नारायण के साथ प्रवेश करती है ऐसे घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और ऐसे घर के लोगों को फर्श से अर्श तक पहुँचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों ऐसे में गुरुजी ने सावन के महीने के बीच में आने वाले अधिक मास की पूर्णिमा तिथि को 5 दीपक का ये विशेष उपाय करने के लिए अपने भक्तों को कहा है। गुरुजी का कहना है कि आप पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय 5 मिट्टी के दीपक लीजिए। अब आपको 10 लंबी बत्ती बनानी है। आपको एक दीपक में 2 लंबी बत्ती रखनी है और ध्यान रखिएगा कि वो क्रॉस की शेप में रखी जाए। अब आपको इन सभी दीपकों में शुद्ध गाय का घी डालना है और अब आप इस उपाय को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इन 5 दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे की दाहिनी तरफ रख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपको दीपकों को गोल घेरा बनाकर रखना है ताकि आने जाने वाले लोगों के पैर में दीपक ना टकराए। और दीपक में अपने भले ही 2 बत्ती लगाई हो लेकिन आपको एक ही बत्ती जलानी है और जले हुई बत्ती का मुख पूरब, उत्तर या फिर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आपको इससे धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान में वृद्धि भी मिलेगी और आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा। गुरुजी का कहना है कि अगर आप दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाना चाहते तो भी आप इन दीपकों को कुछ विशेष पेड़ों में भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे, एक दीपक शमी पत्र के पेड़ के नीचे, एक दीपक केले के वृक्ष के नीचे, एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर और एक दीपक तुलसी की क्यारी में जला दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो तुलसी की दीपक हो वो गोल बत्ती की होनी चाहिए क्योंकि तुलसी में लंबी बत्ती का दीपक नहीं जलाया जाता। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपके घर में जो भी गमला हो आप उस गमले में माता लक्ष्मी का, नारायण का ध्यान करके 5 दीपकों को जला दीजिए या फिर आप अपने मंदिर में इष्ट देव का ध्यान करें और इन 5 दीपकों को जलाते समय नारायण से प्रार्थना करें ताकि आपको इसके शुभ फल प्राप्त। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सावन के महीने की अधिक मास की पूर्णिमा तिथि को 5 दीपक वाला ये महा उपाय आप जरूर करेंगे और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।